हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आप लोगों ने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। बर्थडे को हुए बहुत दिन भी हो गए, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे लाइव स्ट्रीम में कहा था, बहुत सारे वीडियो में कहा था कि मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे गिफ्ट भेज सकते हैं, तो उसकी अनबॉक्सिंग तो आई नहीं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में शुरुआत हो रही है अनबॉक्सिंग की। ठीक है, फर्स्ट वीडियो होगी बहुत ही यूनिक गिफ्ट के साथ, है ना। तो आज की वीडियो अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो रही है, और ऐसे तीन चार वीडियोस आपको रेगुलर अनबॉक्सिंग की देखने को मिलेगी, जिसमें जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सक्राइबर्स ने गिफ्ट मुझे भेजे हैं। अगर आप छूट गए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भेज सकते हैं, है ना। सो फर्स्ट जो गिफ्ट है वो है मेरी सिस्टर की ओर से, है ना, और वो है एयरबड्स। ठीक है, बहुत के एयरबड्स, जिसको मैंने लगभग दो तीन हफ्ते चलाने के बाद उसका एक्सपीरियंस भी मैंने इस वीडियो में बताया है, और उसको अनबॉक्स करके भी दिखाया है। तो आई होप कि आपको अनबॉक्सिंग पसंद आएगी, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। भाई बहुत ही महंगा गिफ्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर एयरफोन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे लिंक से खरीदोगे तो आपको 20-30% डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो लिंक, तो जो एयरफोन अगर खरीदना होगा तो हमारे ही लिंक से खरीदना। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप लोग देख रहे हो टेक विद विशाल यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस अमेजिंग अनबॉक्सिंग इंटरेस्टिंग वीडियो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आ चुका है हमारे बर्थडे का दूसरा गिफ्ट, और ये भेजा है मेरी, सॉरी पहला गिफ्ट। ठीक है, और इसका इंटरव्यू मैं करूँगा बाद में रिकॉर्ड, क्योंकि अभी अनबॉक्सिंग करके देखना है, ठीक है, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे क्या भेजा है, आइए देखते हैं। और ये वीडियो आपको ब्लॉगिंग और टैग पे विशाल दोनों पे देखने को मिलेगी। बाकी इंटरव्यू में हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं, अभी अनबॉक्सिंग करते हैं। नौ मम्मी देख, मम्मी आप दिखाओ इसको, है ना। ये आया है गाइज amazon.in से, एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, और बहुत यूनिक गिफ्ट आया है मेरे लिए। तो देख लेते हैं, ये लिफाफा है। इसकी पैकिंग आपको मतलब हर एक वेबसाइट की पैकिंग जो होती है वो अलग अलग होती है। तो आप मम्मी स्टार्ट करेंगे इसको खोलना, क्योंकि पहले मैंने एक गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया था, उसमें भी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, वो कभी मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये कैंची से मम्मी काट रही है इसको, है ना, पूरी अनबॉक्सिंग हम आपको दिखाएंगे जब बन गए ना जी। हाँ, तो पैकिंग भाई अमेजोन की पैकिंग तो बहुत ही अलग है ना। इससे पहले मैंने अमेजोन से पिछले साल टॉकिंग वॉच मंगवाई थी, है ना, तो उसकी पैकिंग भी अच्छी थी। हालांकि ऑनलाइन साइट से इनकी पैकिंग तो अच्छी होगी, क्योंकि पार्सल बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई मुंबई से कोई चेन्नई से, है ना, लोकल नहीं आते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये डब्बा है, इस डब्बे में गिफ्ट है, है ना, मम्मी आपको दिखाई रही है। देखिए ये निकल गया लिफाफे से, ये डब्बा खुल गया, है ना, तभी मम्मी इसको भी खोलेंगी। और अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ है मेरे लिए, है ना, अभी बिल वगैरह भी निकलेगा, शायद इसी के अंदर निकलेगा, है ना, क्या क्या निकलेगा देखते हैं। मम्मी आपको मम्मी आपको सब कुछ दिखा रही हैं, है ना। अब आ गया मेरे पास फोन, तो देख सकते हैं ये क्या बिल होगा, तो देख सकते हैं गाइस ये बिल है, इसको रखना है मैं संभाल के, इस पर एयरफोन ना वगैरह निकलवाऊँ। तो थोड़ी थोड़ी पहाड़ी का यूज़ भी कर रहे हैं हम, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि यूज़ करनी चाहिए ना। निकल गया ये नहीं है, बिल ला, तो ये गाइस बिल है, है ना। अभी ये छोटा सा डब्बा है अंदर, ठीक है, जो मम्मी निकाल रही हैं, है ना। तो ये छोटी सी अनबॉक्सिंग वीडियो, बाकी इंट्रो में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है क्या नहीं। बाकी आप लोग देख सकते हैं ये भी डब्बा था, है ना, सब इतनी जबरदस्त पैकिंग होती है इनकी। तो ये वीडियो आपको 26 जून को देखने को मिलेगी, क्योंकि 25 को बर्थडे है, और बर्थडे के दिन आपको और मेरी अलग अलग जो शेड्यूल वीडियोस होंगी वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी निकाल रही हैं। ये होता है गाइस, जल्दी अगर हम देख लेंगे
है ना, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बता सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्योंकि रिफंडिंग पॉलिसी भी बहुत कम होती है ना, बहुत कम दिनों की होती है। ऑफलाइन तो लिया नहीं है, ऑनलाइन लिया है, तो देख सकते हैं आप लोग। इधर मम्मी जो है अनबॉक्सिंग कर रही हैं, हालांकि मैं तो सोचा था कि कल ही देखते हैं, लेकिन मेरी दीदी का दोबारा फ़ोन आ गया कि आप देख लो क्या क्या इस अंदर कागज होंगे शायद ना, एक और कागज है इसके अंदर, इसके अंदर हैं ये है ना, और ये जो है मैं चलिए डब्बी ये डब्बी अच्छा था खोला क्या खोलने तारा नहीं है ना, ये डब्बी जो ना दो तो गाइस ये डिबिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है, ये गाइस बोट के ईयरफोन्स। जी हाँ गाइस, ब्लूटूथ बोट के ईयरफोन्स, बिना वायरल है ना, कोई तार वार नहीं है इसमें है ना। क्या हाँ तो गाइस ये है फोन है ना, ये हमें लगाने हैं कान में और हमें सुनना है ठीक है। तो ये फोन्स हैं आप देख सकते हैं, और एक इसमें डिबिया है, इस डिबिया में हम इन्हें रख सकते हैं। तो इसका जो एक्सपीरियंस होगा मेरा है ना, कि कैसे है कैसे नहीं, कैसी आवाज़ है, वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब कंटिन्यू वीडियो करूँगा कल, तो कल तक का वेट कीजिएगा है ना। अभी मैं इसको चेक करता हूँ अच्छे से, और उसके बाद कल मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे नहीं, कितने क्या है कितने के नहीं। तो चलिए फिर अभी के लिए हम वीडियो को स्टॉप करते हैं। सो गाइज, लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते चलाने के बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि भूल भी गया था और बीच में बर्थडे भी था है ना। तो ये है मेरा फर्स्ट गिफ्ट, देख सकते हैं मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाई थी। अनबॉक्सिंग के बाद ये डिब्बी होती है ना, इसमें है मेरे एयरबड्स ठीक है। तो एयरबड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, अब बताता हूँ इसकी कुछ खासियत के बारे में है ना, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी आपको बताता हूँ ठीक है ना, कि एक्सपीरियंस में अलग वीडियो में भी बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं इनको सुनता हूँ, कम सुनता हूँ ठीक है। पर आज चलो एक्सपीरियंस को छोड़ के बाकी चीज़ें, इसकी क्वालिटी के बारे में है ना, क्या क्या हमें सिस्टम मिला है ना सब। तो गाइस पहले बात प्राइस की बात करें तो प्राइस मेरे को नहीं बताया गया, क्योंकि मेरी सिस्टर की ओर से प्राइस था, लेकिन आप अमेजोन पर सर्च करेंगे ठीक है, बॉड है ना, बॉड कंपनी के ये ईयरबड्स हैं, तो आपको मिल जाएंगे ठीक है। और गाइस ये ना एक मतलब होते ईयरफोन ही है, लेकिन मैं ना कोई तार होती है ना कुछ है ना, और ऑटोमेटिक होता है, टच सिस्टम होता है इनका, बस आप जो है फ़ोन से निकालेंगे, कान में लगाएंगे तो वैसे ऑन हो जाएंगे, बस आपको अपना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है ठीक है। जैसे आप ब्लूटूथ ऑन करेंगे ये कनेक्ट हो जाएंगे ठीक है। कनेक्ट होने के बाद जब आपने सुन लिया तो कान से निकालो और इस डिब्बी में रखो ठीक है। डिब्बी में रखने का भी सिस्टम होता है ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा है ना। तो डिब्बी में अच्छे से रख दो और बंद कर दो है ना, मानो इनकी बैटरी कम हो गई ठीक है, तो ये अपने आप ही चार्ज होने स्टार्ट जाएंगे, डिब्बी जो है वो अपने आप ही इनको चार्ज कर देगी। बस हमें क्या करना है, डिब्बी को एक बार चार्ज करना है, जब डिब्बी फुल चार्ज हो जाए तो जो एयरफोन है उनको खुद ही चार्ज पे मतलब जो है हो जाएंगे वो ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हो कि डिब्बी के साथ एयरफोन को भी चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चार्जिंग की बात की जाए तो सी टाइप चार्जर के साथ ये डिब्बी कनेक्ट होती है ना, डिब्बी को बोर्ड में लगाओ ठीक है, और जो है आपका चार्ज हो जाएगा है ना। बाकी चार्जर में लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, 4-5 दिन आराम से एयरफोन ईयरबड्स चल जाते हैं है ना। बात की जाए इसकी क्वालिटी की, गाइस क्वालिटी ना वैसे ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है है ना, अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो इसमें ना गाइस सच बता दूं बेस इतना नहीं होता है ठीक है, लेकिन आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हो, कॉल्स ज़्यादा करते हो ठीक है, तो उन सब चीज़ों में आपके लिए अच्छा है ना। लेकिन मेरा था तो इसलिए मैंने बोला सिस्टर को लेने के लिए है ना, तो ये बात है। सो ये कुछ इसकी प्रॉब्लम है गाइस, मतलब प्रॉब्लम भी क्या कहें है ना, आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी सब कुछ टच है ना, और बाकी तो ठीक है ना। सो ये बात है, सो आई होप गाइस आपको पसंद आई होगी वीडियो है ना। जो भी बाकी दिक्कतें बाकी हैं वो मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा है ना।
सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपको फर्स्ट गिफ्ट मेरा पसंद आया होगा, ऐसे आपको सेकंड गिफ्ट थर्ड गिफ्ट की भी सीरीज मिलेगी ना, तीन गिफ्ट आए हैं ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।